अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जूबी के किचन में बन रहा है पालक चिकन, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। उस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने तकरीबन 3 किलो पालक ली है और 1 किलो चिकन लिया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके लिए 2 प्याज लिए हैं हमने, जिसे इस तरह बारीक काट लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं, उन्हें छोटे स्लाइसिस में काट लिए, 4 हरी मिर्चें ली हैं, और आधा जो है हमने लहसुन की तूरी ली है और उसको हमने बारीक काट लिया, और 1 टुकड़ा अदरक का लिया। और जो हमें मसाले चाहिए वो ये हैं कि 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा, 2 हमने फूल लिए हैं, ये 3 हमने छोटी जो हैं वो दालचीनी ली है, 1 हमने टेबलस्पून लाल मिर्चों का लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली ली है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें आए अब बनाने की तरफ चलते हैं। 3 टेबलस्पून जो है हमने घी का लिया था और उसे गर्म कर लिया। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसे तब तक हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके साथ ही खड़े मसाले को भी फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन एक मिनट हमने इन सबको फ्राई किया। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में ही हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इनको 1 मिनट हम फ्राई करेंगे। अब हम साथ ही इसके स्पाइसेस डाल देंगे। एक टेबल स्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे और साथ इसे भूनते जाएंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और टमाटर भी नरम हो जाए। देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन गया है। कम ऑयल में भी ये देखें आप बहुत अच्छे से भुन गया है। मैंने 2 बार इसमें 1-1 टेबल स्पून पानी का ऐड किया था और इसे अच्छे से भुना है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करके हम इसे भूनेंगे अच्छे से। अब देखें, ये हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर ना चेंज हो जाए, अच्छे से ये भून जाए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। देखें व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुन गया और इसका ये कलर चेंज हो गया है। ये ऑलमोस्ट 40% जो है वो गल चुका है, बाकी जो है हम इसे पालक के साथ पकाएंगे। व्यूवर्स, हमने जो पालक को 1 कप पानी के अंदर बॉईल कर लिया था, मतलब पानी उसके अंदर ही ड्राई कर लिया, तो ये हमारी पालक जो है वो गल चुकी है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखें, ये पालक जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी है, और ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब जो देखें, अब ये जो चिकन भुना था, अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा पानी है, पानी हमने चिकन में ऐड नहीं किया था, इसी में ये अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसको पालक को चिकन के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से। पाँच से सात मिनट इसको भूनेंगे अच्छे से, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। स-
7 मिनट तकरीबन हो गए हैं हमें चिकन को पालक के साथ भूनते हुए। अब हम इसमें आधा कप जो है वो दूध का ऐड करेंगे और इसको जो है हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे मिक्स करके अच्छे से, ताकि जो चिकन है हमारा गल जाए अच्छे से और पालक भी हमारी मिक्स हो जाए। दूध हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जो पालक की एक तो कड़वाहट होती है थोड़ी वो कम हो जाए, और दूध से जो है वो इस मुलायम भी हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखें व्यूवर्स, इसे तकरीबन हमने 15 मिनट हल्की आंच पे दम पे पकाया था और चिकन हमारा जो है ये देखें गल चुका है, इजीली टूट रहा है। और 2 मिनट हमने इसे तेज़ फ्लेम पे इसका पानी ड्राई किया था। अब देखें ये पक के जो है इसका साइज़ भी श्रिंक हो गया और ये अच्छे से पक गया है और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। चलें आए हम इसे डिश आउट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना मज़े का लग रहा है, और आप इसे पराठे के साथ या राइस के साथ जिसके साथ आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं।